पूर्वांचल में वैसे तो माफिया मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह गैंग के खिलाफ पिछले 3 दशक से गैंगवार चल रहा है। इस गैंगवार में अब तक दर्जनों बदमाशों के साथ ही कई निर्दोष लोग भी मारे जा चुके हैं। मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच भी गोलीबारी हुई जिसमें मुख्तार बाल बाल बचा। ये सभी गैंगवार जेल के बाहर ही हुए। पिछले 3 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब जेल के अंदर गैंगवार हुई है। आपको बता दें कि 2018 में बागपत जेल में मुख्तार के बेहद करीबी कुख्यात गैंगस्टर प्रेम प्रकाश सिर्फ उर्फ मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब चित्रकूट जेल में मुख्तार के एक और करीबी मेराज अहमद उर्फ भाई मेराज की गोली मारकर हत्या हुई। इस हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी का परिवार भी काफ़ी ज़्यादा सहम गया है। बताया जाता है कि मेराज की नज़दीकी मुन्ना बजरंगी से ज़्यादा थी। जुलाई 2018 में मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या के बाद उसका गैंग संभालने की जब चर्चा शुरू हुई तो सबसे पहला नाम मेराज का ही आया था। आपको बता दें कि मूल रूप से गाजीपुर निवासी मेराज बनारस के जैतपुर थाने का हिस्ट्री शीटर था। बनारस में उसे मेराज भाई नाम से जाना जाता था। पुलिस की माने तो गैंग के लिए असलहों का इंतज़ाम मेराज के ही जिम्मे था। वह फर्जी दस्तावेज़ों पर असलहों का लाइसेंस बनवाने का मास्टरमाइंड था। पिछले साल अक्टूबर में जैतपुरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। छानबीन में फर्जी तरीके से बनवाए गए 9 लाइसेंसी पिस्तल और राइफल की जानकारी हुई। तो वहीं साल 2015 में मुन्ना बजरंगी के खास तारिक के लखनऊ में गोली मारकर हत्या की गई। तारिक के घर से पुलिस को लाइसेंस राइफल बरामद हुई जो बाद में फर्जी पाई गई। बताया जा रहा है कि इस राइफल का लाइसेंस भी मिराज ने ही नागालैंड से बनवाया था। चित्रकूट जेल में गैंगवार के बाद मुख्तार अंसारी का परिवार भी अब सहम गया है। मुख्तार के बड़े भाई और सांसद अफसाल अंसारी ने कहा है कि जेल के भीतर गैंगवार पहली बार सुन रहा हूं। खेत में गलियों में सड़कों पर गैंगवार सुनी है लेकिन जेल के भीतर इस तरह की बात पहली बार सुन रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि यूपी में जेल की व्यवस्थाएँ चाक चौबंद है। बावजूद इस तरह की घटनाएँ होने से डर का माहौल पैदा होता जा रहा है। तो वहीं मुख्तार की सुरक्षा को लेकर अफजाल ने कहा कि खुद मुख्तार ही हमेशा पेशी के दौरान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुरक्षा की गुहार लगाते रहते हैं। जाहिर सी बात है सुरक्षा को लेकर तो वह खुद ही कई बार बोल चुके हैं। अफजाल ने कहा कि आज तो ईद का त्यौहार है, सुबह से ही लोग घर पर मिलने के लिए आ रहे हैं। सरकार दावा करती है कि जेलों की सुरक्षा दुरुस्त है लेकिन इस तरह की घटनाएँ व्यवस्था की पोल खोलती है। जेल में मेराज की हत्या की जानकारी होने के बाद काफ़ी संख्या में लोग अशोक विहार कॉलोनी फेज 1 स्थित मेराज के घर पहुंचे। ईद के दिन हुई हत्या ही यहां चर्चा का विषय बन रही है। मेराज अहमद पर फर्जी तरीके से पिस्तल का लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के आरोप में 5 सितंबर 2020 को जैतपुरा थाना प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 3 अक्टूबर 2020 को आरोपित मेराज ने जैतपुरा थाना क्षेत्र की सरैया चौकी में जाकर समर्पण कर दिया था जिसके बाद से जिला कारागार में वो निरुद्ध था। मेराज अहमद को जिला कारागार वाराणसी से चित्रकूट भेजा गया था।